मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निडी था और वो एक पागलखाने में कैद थी। निडी के पास पागलखाने में एक नर्स आती है और वो उसको खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन निडी उसे मार कर भगा देती है और उसके ऊपर स्पिट भी करती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आके उसे पकड़ लेते हैं और ये कोठरी में बंद कर देते हैं। निडी को ये सब बहुत बुरा लगता है। तभी निडी कहती है कि मैं भी एक बाकी लड़की की तरह नॉर्मल थी। कहानी निडी की अतीत में जाती है जहाँ पर हमें एक टाउन के बोर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम था डेविल केटल्स। अब इस टाउन का नाम इस झरने की वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे में झरने वाला पानी कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता था। अब बहुत से साइंटिस्ट इस गड्ढे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं लगता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की लड़की को हम उसके कॉलेज में देखते हैं और जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी और निडी उसकी बिल्कुल उल्टी थी जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ निडी का बॉयफ्रेंड भी रहता है लेकिन निडी ज्यादा वक्त जेनिफर के साथ गुजारती है। अब एक बार जेनिफर निडी से नाइट पार्टी में जाने के लिए पूछती है और निडी इस पर हाँ कह देती है और निडी के बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ ही देर बाद दोनों क्लब में आ जाते हैं और क्लब के अंदर वो कुछ लोगों से मिलते हैं और तभी जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक क्लब में सिंगिंग करता था जिसका नाम निकोलाई था। जेनिफर उससे बात करने लगती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई उसे ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है तभी निकोलाई जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है और निडी उसे सुन लेती है और निडी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ये सब बातें जेनिफर को बताती है लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और जेनिफर उसका बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ समय बाद क्लब में आग लग जाती है और यहाँ लोग इधर उधर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर बाहर निकलती है और देखते हैं कि पूरा क्लब आग में झुलस रहा है और लोग चीख रहे हैं और इस घटना में काफी लोग मर जाते हैं। यहाँ पर निकोलाई आता है और जेनिफर को साथ चलने के लिए बोलता है और निडी इन सब के लिए जेनिफर को मना करती है पर जेनिफर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब जेनिफर निकोलाई के साथ जाने लगती है और निडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो एक स्ट्रेंजर मैन के साथ जा रही है उसे अकेला छोड़कर। निडी को निकोलाई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और निडी घबरा के उसके बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उसे सारी बात बता देती है। वो घबराई हुई थी कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी उसके दरवाजे पर कोई बेल दबाता है और निडी नीचे जाके दरवाजा खोल के देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो दरवाजा बंद करके जाने लगती है कि तभी उसको घर के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर चेक करने लगती है तभी उसे जेनिफर वहाँ दिखाई देती है जो कि खून से सनी हुई थी। जेनिफर यहाँ निडी को डरावनी और स्ट्रेंज स्माइल देती है और फिर फ्रिज के अंदर जाकर वो कच्चा मांस ही खाने लगती है। इसके बाद वो जानवरों की आवाज में चीखने लगती है और अब जेनिफर अपने मुंह के अंदर से एक काला सब्सटेंस बाहर निकालती है और चली जाती है। अगली सुबह निडी बैठकर जेनिफर के बारे में सोच रही थी कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है जो कि पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी और निडी उससे रात की बातों पर बहस करने लगती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पिछली रात के मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते है। जेनिफर ये सब सुन के हंसने लगती है और निडी को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है। निडी जेनिफर की अजीब हरकतों के बारे में उसके बॉयफ्रेंड को बताती है। तभी हमें देखते हैं कि स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में खड़ा हुआ था जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है और अपनी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है और जंगल में जेनिफर जोनस के साथ इंटीमेट होने लगती है और जंगल में बहुत सारे जानवर उनको देखने लगते है। जोनस को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। अब जोनस की चीखे सुनकर प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं और जोनस की लाश देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब रात के वक्त निडी और जेनिफर फोन पर बात करते हैं और निडी जेनिफर से कहती है कि वो टाउन में हो रही इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान है लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जेनिफर लाइटर जला के अपनी जीप पर लगाती है लेकिन जेनिफर को कुछ भी नहीं होता जिससे हमें समझ पाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। अगले दिन सुबह लोग जोनस को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आके बताते हैं कि लव सोल्डर बैंड का सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हो गया कि स्टूडेंट उन्हें एंथम की तरह गाने लगे हैं और वो बैंड अपनी कमाई का 3% हिस्सा मरने वाले की फैमिली को देने वाले हैं। जिस पर निडी बोलती है कि बाकी का 97% प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो भी उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। क्लास के बाद कोलिन नाम का लड़का जेनिफर को डेट के लिए पूछता है लेकिन जेनिफर कोलिन को एक ऐसी जगह का नाम बताती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जब रात में कोलिन बिल्डिंग में पहुँचता है तो देखता है कि बिल्डिंग में काफी ज्यादा अंधेरा था लेकिन वो आगे बढ़ता है। तभी जेनिफर कोलिन को पीछे से आवाज लगाती है और उसके पास आती है। तभी जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और कोलिन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जेनिफर कोलिन को भी मार देती है और उसका
मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम निडी को देखते हैं जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी उसको जेनिफर का विजन आने लगता है और वो इनसे काफी डर जाती है और अपने घर चली जाती है। जैसी वो कार लेकर निकलती है तो उसे रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है जो उसकी कार पर जंप कर देती है। निडी इन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर पर आके रोने लगती है। इसके बाद वो जैसी ही अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जेनिफर वहीं है। अब जेनिफर निडी के करीब आने लगती है लेकिन निडी इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जेनिफर निडी को उस रात की सारी बातों के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में निकोलाई और उसका बैंड जेनिफर को उस रात झरने के पास ले गए थे जहाँ पर वो अपने बैंड की सक्सेस के लिए जेनिफर को मारने वाले थे, यानी कि शैतान को उसकी बलि देने वाले थे। निकोलाई जेनिफर से पूछता है। अब जेनिफर डरते हुए झूठ बोल देती है कि हाँ वो अभी भी वर्जन है। इसके बाद निकोलाई जेनिफर को चाकू से स्टेप करके मार डालता है और अपना रिचुअल कम्प्लीट कर लेता है। पर जेनिफर के वर्जन न होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उसके अंदर रिविल पावर भी आ जाती है। अब निकोलाई का रिचुअल तो कंप्लीट हो गया था और सक्सेस उसके पास आने वाली थी, लेकिन उसके रिचुअल में एक गलती हो गई थी कि जेनिफर वर्जन नहीं थी, इसीलिए उसके बनने के बजाय उसमें इविल पावर आ जाती है। शुरुआत में जब निडी जेनिफर के घर आई थी तो वो कुछ मांस खा रही थी, लेकिन जेनिफर असल में निडी को मारने के लिए आई थी। लेकिन निडी को इसीलिए नहीं मारती क्योंकि निडी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी और कच्चा मांस खा के वो यहाँ से चली जाती है। तब ये सब बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाती है जो कि तुरंत ही हील हो जाता है। निडी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद निडी जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जेनिफर घर की विंडो से कूदकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन निडी कोलिन के फ्यूनरल में जाती है। इसके बाद निडी जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसका रहस्य पता लगाने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद उसको ये समझ आता है कि उन सभी बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जन समझकर बलि दे दिया था, जिस वजह से वो फेमस तो हो गए लेकिन डेविल ने जेनिफर के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके अंदर इविल पावर आ गई है। और हमें ये भी पता चलता है कि जेनिफर को सुंदर रहने के लिए उसे इंसान को मारकर खाते रहना होगा। जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके दिल पर वार करना। अब निडी को उसके बॉयफ्रेंड की चिंता होने लगती है कि कहीं वो जेनिफर का शिकार ना हो जाए, लेकिन उसे इन सब चीजों पर कुछ भी भरोसा नहीं था और वहाँ से वो चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल की डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। अब निडी फंक्शन में पहुंचकर उसके बॉयफ्रेंड का इंतजार करने लगती है और वो पैदल पैदल डांस पार्टी के लिए पहुंच रहा था, लेकिन तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और निडी के बारे में बहुत गलत गलत बातें उसे बताने लगती है। वो ये बताती है कि निडी तुमको चीट कर रही है और बातों ही बातों में जेनिफर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे लेकर एक अबेंडन जगह पर चली जाती है। दूसरी तरफ निडी को ये एहसास होता है कि जेनिफर शायद उसके बॉयफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए परेशान होकर निडी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक डांस पार्टी के लिए नहीं पहुंचा था। इधर जेनिफर उसे बहकाती है पर उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो निडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को पानी में गिराकर मारने लगती है। तभी वहाँ निडी आ जाती है और जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड और निडी पर हमला करती है और उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। निडी को अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले सीन में निडी जेनिफर के घर पर जाकर उस पर हमला करती है और दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और इसी दौरान जेनिफर निडी के शोल्डर पर एक कट लगा देती है। अब निडी यहाँ जेनिफर के गले से नेकलेस निकालती है और जेनिफर को मार देती है और इन सभी चीजों को जेनिफर की माँ देख लेती है और निडी को खून के इंजाम में सजा हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि जेनिफर ने निडी को लड़ाई के दौरान जो बाइट किया था उसके कारण जेनिफर की पावर निडी में आ जाती है और निडी इन पावर का इस्तेमाल करके पागलखाने से भाग जाती है और झरने के पास जाकर उस चक्कू को उठाती है जिस चक्कू से निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। और अब हमें वही बैंड दिखाया जाता है जो काफी अमीर हो गया था और लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग को किसी ने मार डाला है। और आखिरी सीन हमें सीसीटीवी कैमरे का दिखाया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि निडी ने इन सबका खून किया है क्योंकि उनकी वजह से निडी की बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई थी और निडी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।